नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सितंबर से अपराध आरक्षण और एनआरसी पर आंदोलन करेंगे जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी को पप्पू यादव की नसीहत, समाज में नफरत फैलाने वाले बयानों से करे परहेज। पटना, 22 अगस्त 2019, बिहार में बढ़ते अपराध। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण पर बयान और एनआरसी के सवाल पर जन अधिकार पार्टी सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से व्यापक तौर पर जन आंदोलन करेंगी। इसको लेकर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने पटना स्थित आवास पर संवाददाता सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने छपरा में दरोगा और सिपाही की हत्या समेत अन्य अपराध की घटना पर सरकार को घेरते हुए पार्टी की ओर से दोनों के परिजन को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। पप्पू यादव ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान साल 2008 से 2019 मई के बिहार में संज्ञेय अपराध का डाटा जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के सरकार में पिछले 10 सालों में 30,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं, जिनमें 25,000 हत्याएं यादव, दलित और मुसलमानों की हुई हैं। कागजों में दर्ज बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1,00,000 से अधिक दंगे, तकरीबन 65,000 अपहरण, 11,000 से अधिक बलात्कार की घटनाएं नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई। फिर भी सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन राज्य है। उन्होंने कहा कि जब अपराधी माफिया तय करने में लगे कि किसकी सरकार हो, जब सत्ता में बैठी पार्टी तय करने लगे कि किस अपराधी पर कार्रवाई होगी और किस पर नहीं, किस अपराधी की हत्या करवानी है किसकी नहीं, अपराधी की जाति के आधार पर कार्रवाई होगी, तो ऐसे राज्य में सुशासन के राज की कल्पना बस किसी ख्वाब का ही होगा। जिसकी आड़ में नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के निर्वाचित 243 में से 142 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा राज्य में 29 में से 22 मंत्री पर संगीन आरोप दर्ज है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार में अपराधियों का राज है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर पप्पू यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि वो ऐसा कोई बयान ना दे जिसमें सामाजिक समरसता पर खतरा हो और देश में नफरत फैले। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार 60% ज्वाइंट सेक्रेटरी बाहर से लाने की योजना है। प्राइवेटाइजेशन के बाद आरक्षण वैसे भी खत्म हो चुका है। यूपीएससी और बीपीएससी के आरक्षण गायब हो रहा है। 13 पॉइंट रोस्टर में आरक्षण खत्म हो रहा है। पिछले दरवाजों के गौर आरक्षण वाले को नौकरी देकर आरक्षण की व्यवस्था को पहले ही खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार देश में सामाजिक सौहार्द का माहौल बर्बाद कर रही है। लेकिन अगर समय रहते सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो देश की गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। पप्पू यादव ने टेक्सटाइल उद्योग, मोटर उद्योग आदि में बंदी और देश की गंभीर आर्थिक हालत की चर्चा करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर देश के युवाओं को सड़क पर उतरना होगा, वरना देश में भयानक आर्थिक मंदी आने वाली है। वहीं पटना के अतिक्रमण हटाने के दौरान विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन में पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष भगवान में रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जिम्मेवारी बिहार के विपक्ष को दे देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ हम भी हैं, लेकिन इससे पहले गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। बरसात के समय में गरीबों को कहीं जमीन देकर हटाने की जरूरत है, ना कि बिना किसी व्यवस्था के सड़कों पर लाने की। पप्पू यादव ने एनआरसी के सवाल को भी उठाया और कहा कि एनआरसी के नाम पर बिहार और झारखंड में किसी को तंग करने की साजिश हुई तो जन अधिकार पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। देश में गहरी राजनीति के चलते तहत सत्ताधारी दल गंदी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। हम उनकी चाहत कभी पूरा नहीं होने देंगे। देश में गृह युद्ध और उन्माद की स्थिति नहीं बनने देंगे। आरक्षण के नाम पर देश की शांति टूटने नहीं देंगे। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एजाज अहमद, प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू, प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश लालू, प्रदेश प्रधान महासचिव सूर्य नारायण सहानी एवं प्रदेश महासचिव अरुण कुमार सिंह उपस्थित थे।